नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ श्वेता यादव। भारत समाचार के खास प्रोग्राम नक्षत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजीव शुक्ला जी, जो आज आपको बताएंगे कैसा रहेगा आपका आज का दिन और क्या है वो खास उपाय जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य सम प्रभा निर्विद्रम कुरु में देवा सर्व कार्येषु सर्वदा रक्षा रक्षा गणाध्यक्ष रक्षा त्रिलोक रक्षका। तो धन की पद की प्रतिष्ठा की रक्षा गणेश जी। और इसी के साथ ही आपके जीवन में यदि धन की कोई समस्या आती है तो उसको आपको प्राप्त होगी प्राप्ति कि नहीं प्राप्ति होगी, ऐसा सामुद्रिक शास्त्र में बहुत सारे चिन्ह होते हैं, संकेत होते हैं। अगर मिलता है, लोग बोलते हैं कि अगर खुजली होती है तो वो वास्तविक होता है, धन मिलने का संकेत होता है। दाहिने हाथ में भाग में खुजली हो रही हो तो आप इसको मान के चलें धन लाभ का संकेत है, यानी शरीर के दाहिने भाग में भी कह सकते हैं। अगर सपने में देखे कानूनी मुकदमा चलाया जा रहा है, निर्दोष छूट गया है जिसमें, तो अच्छी संपत्ति मिल सकती है। यानी कि अगर आप सपने में अपने ऊपर मुकदमा और उससे बरी होता हुआ देखते हैं तो उसमें अतुल धन संपदा मिलती है। लेन देन के समय यदि पैसा आपके हाथ से छूट जाए तो ये संकेत समझ लीजिएगा कि लाभ जल्द होगा। मोती मूंगा हार इत्यादि स्वप्न में अगर देखते हैं तो लक्ष्मी प्राप्ति के संकेत कुछ होते हैं। घड़े इत्यादि का भी यही देखा गया है, कुम्हार घड़ा बनाता हुआ अगर आपको ऐसा दिख जाए, यदि दीपावली वाले दिन या किसी विशेष दिन कोई किन्नर आपसे कुछ मांगे या कोई अगर भिखारी कोई मांगने आ जाए सुबह सुबह आपके पास, तो भी आप ये मान के चलें कि कोई संकेत तो ज़रूर है, उसको कुछ दे के विदा करिए। भिखारी को या कोई भी मांगने कोई भी चीज़ आ जाए, अगर प्रातः काल में आ जाए, सपने में स्वयं को कच्छा इत्यादि पहन के पटन लगाता हुआ देखता है तो लॉटरी से संबंधित धन से संबंधित अच्छा उसका संकेत माना जा सकता है। गुरुवार के दिन भी संकेत आपको मिल सकते हैं, कुंवारी कन्या पीले वस्त्रों में अगर दिखे गुरुवार वाले दिन तो आप ये मान के चलें विष्णु जी की कृपा लक्ष्मी जी की कृपा। माचिस जलाता हुआ अगर दिख जाए तो अनापेक्षित धन मिलता है उसको। सपने में अगर किसी को उधार देते हुए दिख जाए तो अत्यधिक धन भी प्राप्त आपको होता हुआ देखा जा सकता है। नेवला देखना भी शुभ माना जाता है, रास्ते में अगर नेवला रास्ता काट जाए तो भी आपको ये मान के चलना है संपत्ति दायक है। तो इस प्रकार से आप देखें, जैसे शुक्रवार को कपिला गाय सुभद्रता उज्ज्वल गाय आपको दिख जाए, सपने में फल फूलों का भक्षण करता हुआ अगर आपको अपना देखें, कुत्ता यदि अचानक धरती पर अपना सर रगड़े तो भी आप मान के चलो, यानी कई प्रकार से आप प्रत्यक्ष और स्वप्न सुसुप्ति और जागृत अवस्था में आप ये देखते हो। सपने में ऊँट दिखाई देता है अगर तो अपार धन की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से हरी फुलवारी देखना, अनार इत्यादि देखना, ये कई चिन्ह होते हैं, गड़ा हुआ धन दिखाई दे तो गुप्त धन की प्राप्ति होती है, अतुलनीय धन की प्राप्ति होती है। गुरु जी, आप दर्शकों को बताइए आज की 12 राशियों का राशिफल क्या कह रहा है और क्या है वो खास उपाय जो आगे बढ़ने में मदद करेंगे। मेष राशि वालों, अच्छी बात यह है कि आज का दिन सामान्य ही रहने वाला है, लेकिन फिर भी कुछ चुस्ती फुर्ती आपको दिखानी पड़ेगी कार्य क्षेत्र पे। महत्वपूर्ण कार्यों को टालना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और थोड़ा सा आत्मीयता का माहौल बना के रखें, सबसे मेलजोल रखें। रविवार के दिन उपवास करना शुरू करेंगे तो आपकी राशि पर सूर्य उग चुके होते हैं, आपको लाभ मिलेगा। मस्टर्ड कलर अच्छा है आपके लिए और 12 का अंक। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, धार्मिक स्थान पर यात्रा इत्यादि का आपका प्रवास हो सकता है, खर्च थोड़े से आपके अधिक रह सकते हैं, यानी कि आपकी एक्सपेंस बढ़ेंगे। किसी मित्र से सहयोग से नौकरी इत्यादि के मौके मिल सकते हैं, संपत्ति में आप निवेश भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, लाल रंग के आसन पर बैठें, सूर्य नारायण को याद करें, 14 का अंक और लाल रंग आपके लिए शुभ है। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। मान सम्मान धन सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में चला आ रहा मतभेद दूर होगा। सरकार से राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए ये दिन शुभ है, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको जरूर मिल सकती है। हर गुरुवार शिवलिंग पर चने की दाल बेसन के लड्डू इत्यादि जरूर चढ़ाएं। नीला रंग शुभ है, शुभ अंक है 19, कंपोजिट अंक 1। अब हम बात करेंगे सिंह राशि की। पारिवारिक जीवन सुखमय आपका रहेगा और इसी सुखमय के साथ ही शैक्षिक नॉलेज भी आपकी वृद्धि होगी, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। कार्यों हेतु आप
विदेश का भी प्रवास आपको आने वाले समय में मिलेगा। अच्छा, शासन सत्ता का सहयोग भी आपको अच्छा मिल रहा हुआ दिख रहा है। 1.25 मीटर लाल कपड़ा वस्त्र मंदिर में आप दान करें। गुलाबी रंग शुभ है। 6 का अंक आज आपके लिए बहुत बेहतर है। अब हम बात करेंगे कन्या राशि की। प्रभाव ये रहेगा कि काम और आराम दोनों में आपको तालमेल बनाना पड़ेगा। एक चीज़ पर ज़्यादा फोकस ना करें, काम भी करें आराम भी करें, अन्यथा थोड़ा सा परेशानी आपके ऊपर आ सकती है। लेखन इत्यादि, अपने को व्यक्त करने की कला इत्यादि, इसमें आपको पारंगत होना चाहिए। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो सफलता जरूर मिलेगी आपको। दूध दही इत्यादि का दान आप करेंगे आज अच्छा रहेगा। केसरिया रंग और 3 का अंक आपके लिए शुभ है। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। थोड़ा सा मधुरता वाणी में रहेगी, ये करेगी चमत्कार। माता पिता का आपको मिलेगा साथ। स्थिति में होगी कारोबारिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि आपकी होती हुई देखी जा रही है। अन्न का दान करना अच्छा रहेगा आपके लिए। शुभ अंक 5 और शुभ रंग फिरोजी। मिथुन राशि जो रह गई थी क्रम से, उसका नए वाहन का योग बनता हुआ दिख रहा है। सुख सुविधा में आपकी वृद्धि होती हुई देखी जा रही है। कार्य स्थिति मजबूत होती हुई, प्रोन्नति इत्यादि का योग आपका देखा जा रहा है। प्रेम संबंधों में पूर्णता आप सफल होते हुए देखे जा रहे हैं। मंगल की प्रिय वस्तु है मसूर की दाल, इसका दान करें, सेवन भी करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग पीला। तो ये हमने देखा छोटे छोटे उपाय। वृश्चिक राशि पे आ गए। अब हम नौकरी में, ऑफिस इत्यादि में जरूर सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ देखा जा रहा है। परिश्रम आपका अधिक रहेगा और इसी के साथ कुछ कठिनाइयाँ आपके पास आ सकती हैं। आय में आपकी वृद्धि हो रही है, आशातीत वृद्धि हो रही है। ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः, इसका आप जाप करें अच्छा रहेगा। शुभ अंक 7, शुभ रंग आसमानी। अब हम बात करेंगे धनुराशि की। धनुराशि वालों, अवसरों का सहयोग आपको मिलेगा, अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, परिश्रम की आपको अधिकता रहेगी, मित्रों का आपको सहयोग मिलेगा और इसी के साथ ही आय में वृद्धि, यानी कि आपको जो मिलने वाला है प्राप्तियों में वृद्धि होगी। दूध के पदार्थों का दान करना अच्छा रहेगा और स्वयं आप इसका सेवन भी करें। ग्रह रंग शुभ है। शुभ अंक आज आपके लिए है 1 का। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। दसवीं राशि शनिदेव की राशि, लेकिन मानसिक ग्राफ आज कुछ गिरता हुआ, लेकिन परेशान ना हो, हंसी खुशी का माहौल बनाए रखना ये तो आपके हाथ में रहेगा। कला जगत से जुड़े हुए लोगों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है, सोशल मीडिया पे अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। ऑरेंज रंग शुभ है। शुभ अंक आज आपके लिए है 8 का। मकर राशि वालों, आपके लिए कन्या को मिष्ठान भोजन कराए। कुंभ राशि पे चले। नौकरी में तरक्की के योगादि योग दिख रहे हैं। आय में वृद्धि, संतान सुख का अच्छा प्रभाव आपको देखा जा रहा है। महत्वाकांक्षाओं में भी पूरी आपकी पूर्ति देखी जा रही है। पिताजी की सेहत का ध्यान रखेंगे। वाहन सुख में भी आपको अच्छी वृद्धि दिख रही है। अपने इष्ट देव को आपको नमन करना रहेगा और आपको नीला रंग अच्छा है। 8 का अंक भी आज आपके लिए बेहतर है। मन प्रसन्न रहेगा मीन राशि वालों, और इस मन की प्रसन्नता आपको अच्छा प्रभाव भी देगी और इसी के साथ किसी रुके हुए धन की आपको प्राप्ति भी हो सकती है। शैक्षिक कार्यों के लिए विदेश प्रवास के योग दिख रहे हैं। हनुमान जी का दर्शन करना आपके लिए उत्तम नहीं अति उत्तम रहेगा। शुभ अंक 4 और शुभ रंग भूरा। तो दर्शकों, आपने देखा मेष जमीन मीन रमेश पर्यंत सारी राशियां गागर में सागर। गुरु जी, आप दर्शकों को बताइए आज का पंचांग क्या कह रहा है, दिन में कौन सा समय रहेगा शुभ और किस समय रहेगा राहु काल। 23 नवंबर 2022 चतुर्दशी तिथि का मान विशाखा नक्षत्र लगा हुआ है। मार्च श्री कृष्ण पक्ष दिन बुधवार। शुभ समय 11:44 से 12:26 तक और राहु काल 12:07 से 1:26 तक सिद्ध है। तो आज आपने जाना कैसा रहेगा आपका आज का दिन और क्या है वो खास उपाय जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए आप गुरु जी को कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं 800-403-6524 पर। ये उनका व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप टेक्स्ट मैसेज कर अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। और साथ ही गुरु जी की ईमेल आईडी है rajivshuklaonline@gmail.com। आज के नक्षत्र में बस इतना ही। कल फिर आप सभी से मुलाकात होगी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।